कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के राज में लंबे अरसे तक, काफी लंबे अरसे तक ये संघर्ष करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। और इतना ही नहीं, इनकी इनके कारवा को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बाबा साहब के देहांत के बाद इनके कारवा को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले माननीय श्री कांशीराम जी की जब डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो तब सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी माननीय श्री कांशीराम जी के सम्मान में राष्ट्र शोक डिक्लेयर नहीं किया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके तहत जो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सेंटर में अपनी हुकूमत के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल सका। बहुजन समाज पार्टी के ही अथक प्रयासों से, संघर्ष के कारण ही फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब कांग्रेस सेंटर से बाहर हुई और श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, तब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। पहली बार बीएसपी के कुछ एमपी जीत कर आए थे 1989 में, मैं खुद भी जीत कर आई थी। श्री बीपी सिंह चाहते थे कि हम आपका समर्थन चाहते हैं बीएसपी का, और माननीय श्री कांशीराम जी को उन्होंने ये कहा कि आप जो भी मंत्रालय मायावती को देना चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें समर्थन दे दीजिए। तो हमने उस समय श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री पद या बड़ी कुर्सी आदि नहीं चाहिए, हमारी केवल दो ही मांगे हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना। हमने बड़ी कुर्सी ठुकरा दी, लेकिन हमने दलितों के सम्मान में और पिछड़ों के अधिकारों को ध्यान में रखकर हमने कहा कि हम समर्थन देंगे, हमारी ये दोनों मांगे मान लो। श्री बीपी सिंह की सरकार ने उस समय हमारी ये दोनों मांगे मान ली और हमने उनको समर्थन दे दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि बीएसपी के अथक प्रयासों से ही तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई। और कांग्रेस पार्टी की इस किस्म की जो मानसिकता थी, जो गलत नीतियां थी, गलत कार्यशैली थी, जातिवादी जो मानसिकता थी, तो उसके कारण फिर ये पार्टी धीरे धीरे केंद्र व ज़्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई और हमें भी फिर बीएसपी बनाने की ज़रूरत पड़ी, और जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए, और अब इनकी भी ज़्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्यप्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है।